नमस्कार, वेलकम अगेन। ज्योग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी सीरीज में हम बेसिक ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके थे और फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा है 30 क्वेश्चंस का। तो ये टेस्ट हायर पीजीटी टीजीटी और अदर वेरियस एग्ज़ाम्स वन डे एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यह टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इस तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन में क्या बोला गया है? जियोसेंट्रिक थ्योरी वॉज गिवन बाय, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हिंदी में बोले तो भू केंद्रीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, ऑप्शंस है स्ट्रैबो, टॉलमी, अरिस्टोटल और इमैनुअल कांट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, हमने जब लेक्चर पढ़ाए थे तो उसमें था क्लोडियस टॉलमी। जियोसेंट्रिक या भू केंद्रीय मॉडल क्लोडियस टॉलमी ने कब दिया था? 140 एडी में। इस मॉडल में क्या बोला गया है कि हमारी अर्थ क्या है, यूनिवर्स के सेंटर पे थी और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या कर रही थी, अर्थ के चारों तरफ राउंड कर रही थी। तो ये था भूकेंद्रीय मॉडल, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया? टॉलमी ने। कब? 140 एडी में। और इसमें बोला क्या गया था, अर्थ हमारी यूनिवर्स के सेंटर पे और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही। तो ये था क्वेश्चन वन। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन टू की तरफ। क्वेश्चन टू में क्या पूछा गया? बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोपरनिकस, थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमेंटेर, हिंदी में लेमेंटेर बोलते, और एलन संडेज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज लेमेंटेर क्या थे? बेल्जियन प्रिस्ट थे, बेल्जियन प्रिस्ट थे। प्रिस्ट मीन्स चर्च में एक पादरी थे। कहाँ पर? बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ पर पादरी थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला गया था, एक सिंगल एटम होता है, इसका क्या था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, मीन्स अनंत टेम्परेचर और अनंत घनत्व और स्मॉल वॉल्यूम था। तो ये क्या कर गया था, एक्सप्लोजन कर गया था और इसी से हमारा क्या बना था, यूनिवर्स हुआ था। ठीक है, ये हमने अपने लेक्चर चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं। तो सो द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज लेमेंटेर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थ्री की तरफ। क्वेश्चन थ्री में क्या पूछा गया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी हिंदी में बोले तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत गैलीलियो द्वारा, टॉलमी द्वारा, कोपरनिकस और न्यूटन द्वारा। तो टॉलमी ने तो कौन सा दिया था,
जियोसेंट्रिक दिया था, अभी क्वेश्चन वन पढ़ चुके, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक में क्या था कि सन हमारे यूनिवर्स के सेंटर में और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज सन का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। ये हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सूर्य और केंद्रीय मीन सूरज केंद्र में और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या कर रही हैं, सूर्य का चक्कर लगा रही हैं। तो ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी दी निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है, 1543 एडी में कोपरनिकस के द्वारा यह थ्योरी दी गई। कोपरनिकस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो सो द करेक्ट आंसर इज कोपरनिकस। क्वेश्चन फोर में विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द स्टेडी स्टेट थ्योरी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखना पूछा क्या गया, वॉज नॉट रिलेटेड टू, मतलब स्टेडी स्टेट थ्योरी से कौन रिलेटेड नहीं है। स्टेडी स्टेट थ्योरी को हिंदी में बोले तो स्थाई अवस्था सिद्धांत, स्थाई अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी या स्थाई अवस्था सिद्धांत में क्या बोला गया था कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स है, ये क्या है, इसका ओवरऑल साइज एंड मास ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स सेम, मीन्स जो हमारा यूनिवर्स है इसका साइज और मास क्या होगा, हमेशा सेम होगा, तभी तो इसका नाम स्टेडी स्टेट थ्योरी है। अब स्थाई का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, मतलब एक ही जगह पर कॉन्स्टेंट हो जाए। तो हमारा जो यूनिवर्स है स्टेडी स्टेट थ्योरी में बोला गया था इसका साइज और मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दिया, दिया तो तीन लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वॉज नॉट रिलेटेड टू, इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है। स्टेडी स्टेट थ्योरी दी गई थी थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी और फ्रेड होयले ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एलन संडेज। एलन संडेज, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। गैलेक्सी नियरेस्ट टू आर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जो कि हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, मंदाकिनी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी। तो इसके सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी के सबसे पास गैलेक्सी जो है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। लाइमन अल्फा ब्लोब गैलेक्सी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लाइमन अल्फा ब्लोब गैलेक्सी का साइज कैसा होता, अमीबा की तरह होता है, ठीक है, ये अमीबा के साइज की होती है, ये टेडपोल की तरह दिखाई देती है, टेडपोल जो मेंढक का बच्चा होता है उसकी तरह, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्वेश्चन सिक्स, द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज, सन के सबसे पास कौन सा तारा है, मीन्स कौन सा
स्टार है सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे पास वाला तारा, ठीक है, सूर्य के सबसे पास वाला तारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा तारा है? प्रोक्सीमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सीमा सेंचुरी। डॉग स्टार क्या है? चमकीला तारा है, चमकीला तारा, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार सीन इन द नाइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। आ डैश इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर। जब हम लेक्चर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया किसका ग्रुप, स्टार्स का ग्रुप जो कोई पैटर्न बना दे या पिक्चर बना दे उसको क्या बोलते हैं। जैसे सप्तऋषि का हमने एग्जांपल भी दिया था वहाँ पे, देखो कोई भी पैटर्न, राशियाँ देखा है आपने, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिलेशन। हमारी गैलेक्सी में कितनी राशि होती है? 88, लेकिन हमको अफेक्ट कितनी करती है? 12, 12 आपको पता भी होगा, ठीक है, 12 राशि हमको अफेक्ट करती है, टोटल कितना होती है? 88, ठीक है, जैसे सिंह, मेष, कन्या, तुला, ये सब राशियां हैं तो 12 अफेक्ट करती हैं, और टोटल कितनी होती है हमारी गैलेक्सी में? 88। तो ग्रुप ऑफ स्टार डेट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन बोले तो हिंदी में राशियां, तारों का ऐसा समूह जो एक पर्टिकुलर पैटर्न या पिक्चर बना दे उसको क्या बोलते हैं? राशियां या कॉन्स्टिलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नक्षत्र क्या होता है? एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। ब्लैक होल क्या होता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर देयर इन आवर गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा में कितनी राशियां हैं? हमारी आकाशगंगा में कितनी राशियां हैं, मतलब मंदाकिनी गैलेक्सी में कितनी हैं? 88, लेकिन अफेक्ट करती है 12, तो यहाँ पे आंसर तो होगा 88, लेकिन अफेक्ट करती है 12। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। मास ऑफ स्टार लेस देन 1 चंद्रशेखर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट इक्वल होता है किसके? 1.4 मास ऑफ सन के, ठीक है, एक चंद्रशेखर लिमिट होता है 1.4 मास ऑफ सन के। तो 1.4 मास ऑफ सन से कोई भी स्टार है, मीन्स सन का जो मास है उसके 1.4 टाइम्स उससे कोई छोटा स्टार है, तारा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोजिल स्टार। सो द करेक्ट आंसर इज बी, फोजिल स्टार। फोजिल स्टार को और क्या बोलते हैं? वाइट ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं। और अगर किसी का मास एक चंद्रशेखर लिमिट से क्या होगा? ज़्यादा होगा,
1.4 मास ऑफ सन से ज़्यादा होगा या वन चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, कम होगा तो फोजिल स्टार, ज़्यादा होगा तो न्यूट्रॉन स्टार। अगर न्यूट्रॉन स्टार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, न्यूट्रॉन स्टार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको नाम दे देते हैं पल्सर का। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन विल्लर, कोपरनिकस, थेल्स, अरिस्टोटल। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, जॉन विल्लर ने। ठीक है, ब्लैक कॉन्सेप्ट को जो प्रपाउंड किया वो किसने किया, जॉन विल्लर ने। कोपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी थी, हेलियोसेंट्रिक। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा अशुद्ध है, मतलब करेक्ट नहीं है। थ्योरी दी गई है इधर, इधर क्या है, थ्योरीज है, इधर किसने ये थ्योरी दी। पहली थ्योरी देखते हैं, प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस, ये किसने दी, चैम्बरलिन ने, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, हिंदी में बोले तो ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी, चैम्बरलिन ने। दूसरी थ्योरी देखते हैं, टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस को बोलते हैं द्वैतारक। ठीक है, और सुपरनोवा क्या बोलते हैं, अभिनव तारक, अभिनव तारा परिकल्पना। ठीक है, पहला तो सही है, ग्रहणु परिकल्पना है, या प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस किसने दी, चैम्बरलिन ने। टाइडल हाइपोथेसिस ये गलत है। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस ओटो स्मिड ने नहीं देखे, किसने दी, जेम्स जीन्स ने, और उसको मॉडिफाई किसने किया था, मॉडिफाई किया था हेराल्ड जेफरे ने। ठीक है, उसको मॉडिफाई किया था हेराल्ड जेफरे ने। थर्ड देखते हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये ठीक है, रसेल ने दी। सुपरनोवा हाइपोथेसिस होयले ने दी। ठीक है, ओटो स्मिड ने कौन सी थ्योरी दी थी, ओटो स्मिड ने दी थी इंटर इंटर स्टीलर डस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, इंटर स्टीलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतर तारक, अंतर तारक धूल परिकल्पना। ठीक है, अंतर तारक धूल परिकल्पना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 देखते हैं। फोबोस एंड डीमोस आर द सैटेलाइट्स ऑफ। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, कौन से ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। मरकरी, वीनस, मार्स, यूरेनस। मरकरी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी हो सकता है, मार्स या यूरेनस।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मार्स की दो नेचुरल सैटेलाइट है, दो नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सी? फोबोस और डिमोस। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, मरकरी और वीनस में, कि मरकरी सही होगा या वीनस होगा। 60% या 70% लोग क्या करते हैं, मरकरी को करके आ जाते हैं, क्योंकि सन है ये हमारा, सोचते हैं कि सन के सबसे पास मरकरी है तो मरकरी होगा, वीनस तो दूर है, वीनस के चांस कम है, लेकिन मरकरी गलत हो जाएगा, क्योंकि मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जिससे सनलाइट आती है उनको ट्रैप नहीं कर पाता, जितनी सनलाइट आती है वो जैसे आती है ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन वीनस के पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और एटमॉस्फेयर में भी CO2 गैस की मात्रा 97.5% के अप्रोक्स होती है। CO2 जो हमारी गैस है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस का काम करती है, मतलब वो ट्रैप कर लेती है जो सनलाइट आती है, इस वजह से क्या है हमारा जो सबसे गर्म ग्रह है वो वीनस है। सो द करेक्ट आंसर इज वीनस। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको बोला जाता है, ठीक है, लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मार्स को, क्यों? क्योंकि मार्स ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसका कलर कैसा चमकता है, रेड कलर चमकता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, शनि, अरुण, बृहस्पति या वरुण, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। क्वेश्चन 16 देखते हैं। टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है, ठीक है, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल। टाइटन किसकी नेचुरल सैटेलाइट है, सैटर्न की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। प्लूटो वो डिस्कवर्ड बाय, प्लूटो को किसने डिस्कवर किया था, गाले ने तो नेपच्यून को किया था, गाले ने किसको किया था, नेपच्यून को 1846 में। जॉर्ज लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी, तो प्लूटो को डिस्कवर किया था किसने, क्लाइड टॉम्बे ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1930 में प्लूटो खोज किसने की थी, क्लाइड टॉम्बे ने, और प्लूटो को 2006 में प्लैनेट कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 18, एस्टेरॉयड बेल्ट फाउंड बिटवीन, एस्टेरॉयड बेल्ट
एस्ट्रॉइड बोले तो क्षुद्र ग्रह पेटी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, किन दो ग्रह के बीच में। ये हमारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और ये जुपिटर है। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं इनको, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह, और ये जो जुपिटर से इधर होते हैं सारे उनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स, बाहरी ग्रह या जोवियन प्लैनेट्स। तो इनके बीच में एक एस्टेरॉयड की पेटी होती है, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रह के बीच में होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स और जुपिटर के बीच में जो पाई जाती है वो एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जोवियन प्लैनेट। पिछले क्वेश्चन में जोवियन प्लैनेट डिस्कस किया था, जोवियन प्लैनेट का एग्जाम्पल कौन नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जोवियन प्लैनेट। जुपिटर जोवियन प्लैनेट है, सैटर्न जोवियन प्लैनेट है, यूरेनस जोवियन प्लैनेट है, एंड नेपच्यून भी जोवियन प्लैनेट है। ये चार क्या है, जोवियन प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, बाहरी ग्रह, ठीक है। बाहरी ग्रह का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, मंगल, मार्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉमेट हैली रिटर्न्स आफ्टर, हैले धूमकेतु, हैले धूमकेतु कितने साल बाद क्या करता है, दिखाई देता है। हैले धूमकेतु लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था, 1986 में। तो कितने साल बाद रिटर्न दिखाई देता है, 76 ईयर्स बाद। तो अब कब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा ये 2062 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंसेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आर सोलर सिस्टम इज, मींस हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में किस उपग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, घनत्व सबसे ज्यादा होगा, किसका होगा, ग्यानिमिडे, लो, मून, टाइटन। ग्यानिमिडे किसकी सैटेलाइट है, जुपिटर की, लो किसकी है, जुपिटर की, मून किसका है, अर्थ का, टाइटन किसका है, सैटर्न का। तो सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो करेक्ट आंसर इज लो। ग्यानिमिडे क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है, जुपिटर की सैटेलाइट है, ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ये क्या है, डेंसेस्ट सैटेलाइट है, मीन जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। मून क्या है, सेकंड डेंसेस्ट है, लो के बाद जो डेंसिटी है वो मून की होती है, और टाइटन किसकी सैटेलाइट है, सैटर्न, शनि ग्रह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, मून के अध्ययन को क्या बोला जाता है,
ओरोग्राफी, सेलेनोग्राफी, लिम्नोग्राफी, पेट्रोलॉजी। ओरोग्राफी क्या है? माउंटेन्स वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है। लिम्नोग्राफी में लेक्स वगैरह के बारे में, पेट्रोलॉजी में रॉक्स वगैरह के बारे में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेलेनोग्राफी। स्टडी ऑफ मून को क्या बोला जाता है? सेलेनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून वॉज, ठीक है, पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था जो मून में गया था? लूना 2, अपोलो, हायाबूसा, PSLV XL। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखो, कोल्ड वॉर चला हुआ था किस किस के बीच में? USA वर्सेस सोवियत यूनियन के बीच में, सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध चला हुआ था, या कोल्ड वॉर चला हुआ था, शीत युद्ध चला हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तोड़ मची हुई थी सभी सेक्टर में, कौन आगे निकलेगा कौन आगे निकलेगा। लेकिन यहाँ बाजी किसने मार दी? सोवियत यूनियन ने। उसने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मून पर भेज दिया, तो उसका नाम क्या था? कब भेजा था? 1959 में उसका नाम क्या था? जो पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा था उसका नाम था लूना 2। अपोलो किसका था? USA का। कब भेजा गया? नील आर्मस्ट्रांग जिसमें गए थे वो कब गया था? 1969 में, 10 साल बाद, सोवियत यूनियन के मिशन के 10 साल बाद अपोलो भेजा गया। हायाबूसा किसका है? हायाबूसा जापान का है। हायाबूसा किसका है? जापान का है। तो ये एटोकावा एस्टेरॉयड पर भेजा गया था, ठीक है, एटोकावा एस्टेरॉयड पर। और PSLV XL चंद्रयान 1 मिशन, चंद्रयान 1 मिशन जो कि 2008 में भेजा गया था, वो PSLV XL के द्वारा भेजा गया था। सो द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लूना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन वॉज लॉन्च इन 2019 वो PSLV XL से चंद्रयान 1 मिशन भेजा गया था। चंद्रयान 1 मिशन भेजा गया था 2008 में, तो अगला मिशन कब भेजा गया? 2019 में, किसके द्वारा? GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के हेल्प से, ठीक है, GSLV। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें क्या, इस लैंडर और रोवर भी थे। लैंडर जो मून पे जाके लैंड कर गया था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर थी एक 6 पहिए की गाड़ी थी जो मून पर मूव करती, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर, हमने डिस्कस किया था लेक्चर में। तो जी की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है? पोल पर। जी की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगी? पोल पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, जियोइड है या टेट्राहेड्रल है। सर्कल मतलब वृत्त, सर्कल को वृत्त बोलते हैं और स्फेरिकल को गोलाकार, ठीक है, जियोइड को जियोइड बोलेंगे, मीन्स थोड़ा चपटी है, ठीक है। अर्थ का साइज कैसा है, जियोइड चपटाकार है और टेट्रा हेड्रॉन, टेट्रा हेड्रल या ऐसा है। तो अर्थ का आकार कैसा है, अर्थ कैसे है, जियोइड आकार की। क्वेश्चन 27 देखते हैं, इन विच ईयर नील आर्मस्ट्रांग बिकम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर 23 में एक्सप्लेनेशन है कि 1969 में अपना मिशन भेजा था यूएसए ने, अपोलो मिशन, तो यही इसी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, किस ईयर में नील आर्मस्ट्रांग, तो मिशन का नाम था अपोलो मिशन, अपोलो मिशन किसके द्वारा भेजा गया, अमेरिका यूएसए के द्वारा, कब, 1969 में, सोवियत यूनियन के 10 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान 1 लॉन्च बाय इसरो, चंद्रयान 1 मिशन कब भेजा गया था, बताया था अभी पीछे 2008 में, ठीक है। रॉकेट का नाम क्या था, PSLV-XL, इसके हेल्प से भेजा गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द IDL 90 लैटिट्यूड, 90 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा लेना है, ठीक है, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे, 22.5 डिग्री लैटिट्यूड पे, 180 डिग्री लैटिट्यूड पे या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से लैटिट्यूड, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द लैटिट्यूड नहीं होगा ये, लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, सभी में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश होता है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, देशांतर रेखाओं की। तो 180 डिग्री किस पे होता है, सॉरी IDL इंटरनेशनल डेट लाइन होता है 180 डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट एक ही होता है, ठीक है, ये एक ही लाइन होती है, इसको एक कन्वेंशन जो कि कब हुआ था 1884 में, उसमें क्या इंटरनेशनल डेट लाइन बोला गया था, इससे ये क्या है, जिग जैग है, जिग जैग टाइप के, ठीक है, जिग जैग टाइप है। अगर इसके ईस्ट साइड जाएंगे तो हमें एक दिन इंक्रीज मिल, ईस्ट साइड में एक दिन इंक्रीज मिलेगा और वेस्ट साइड में एक दिन का माइनस होगा, ठीक है। जैसे अगर इधर क्या है, इधर मंडे है तो ईस्ट साइड में क्या होगा, ट्यूसडे मिलेगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलर फ्लेयर्स सीन एट नॉर्थ पोल रीजन इज कॉल्ड, नॉर्थ पोल जो है हमारा, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है, तो चमकती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके, नॉर्थ पोल पे इनका नाम दिया गया है, और ऑरोरा बोरियलिस, और साउथ में इनका नाम दिया गया है ऑरोरा
ऑस्ट्रेलिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आज के लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चन किए, तो अपने करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितने सही किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।